नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कोरोना अभी गया नहीं और देश पर एक दूसरा संकट मंडराने लगा है। यह नया संकट है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू भारत के कई राज्यों में कहर बरपा रहा है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है। इस बीच बिहार में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने की सूचना मिलते ही राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने सभी जिले के पशुपालन पदाधिकारियों को एहतियात के तौर पर सभी तैयारी रखने और सावधान रहने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि कहीं से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल विभाग को बताएं और आवश्यक कदम उठाएं। विभाग के तरफ से कहा गया है कि बिहार में कहीं से भी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन एहतियात के तौर पे अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले केरल में बर्ड फ्लू के H5N8 स्वरूप को नियंत्रित करने के लिए मुर्गे, मुर्गियों और बतखों को मंगलवार से मारना शुरू कर दिया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बर्ड फ्लू के मामले रिपोर्ट होने के बाद जम्मू कश्मीर ने अलर्ट घोषित करते हुए प्रवासी पक्षियों के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं। केरल में पक्षियों के संक्रामक रोग के प्रकोप ने वहां के प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अब केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक ने अपने यहां निगरानी बढ़ा दी है और दिशा निर्देश जारी किए हैं। केरल में फ्लू के कारण करीब 1700 बतखों की मौत हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश के अधिकारी ने बताया कि इंदौर में मृत कौओं में H5N8 वायरस की पुष्टि होने के बाद अब तक शहर में इसी प्रजाति के 155 पक्षी मरे पाए गए हैं, जबकि राजस्थान में झालावाड़ के बाद कोटा और बाड़ा के पक्षियों में भी संक्रमण पाया गया है। महाराष्ट्र में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन महाराष्ट्र की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, इसलिए वहां भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा सकता है। अब तक देश के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केरल में बर्ड फ्लू को आपदा घोषित कर दिया गया है। सबसे ज्यादा बर्ड फ्लू के कारण पक्षियों की मौत केरल में ही हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आपात बैठक बुलाई और सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 10 जिलों में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अभी तक बर्ड फ्लू का जो स्ट्रेन मिला है उससे इंसानों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला 2006 में सामने आया था। यह मामला महाराष्ट्र में पाया गया था। बताते चलें कि केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र सरकार द्वारा एहतियात के तौर पर दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया गया है। देश में कुल 7 राज्यों पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि बिहार में अभी तक बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बिहार सरकार ने राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है ताकि लोग पहले से ही सावधान रहें और तैयार रहें, क्योंकि देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है और ऐसे में बिहार में भी इस फ्लू के फैलने की आशंका हो सकती है। इसलिए राज्य के सभी जिलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।